दोस्तों संदीप का पकड़ा गया झूठ। जी हाँ, संदीप ने कहा था कि वो दिशा सालिन को नहीं जानते और वो कभी दिशा से मिले भी नहीं। इनफैक्ट सेम स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी ने भी दिया था कि वो दिशा से मिले नहीं है और दिशा को वो जानते नहीं है। लेकिन एक पुराना जो वीडियो है ऐश्वर्या राय का, जहाँ पर आपको ऐश्वर्या राय, भूषण कुमार, संदीप सिंह और दिशा सालिन ये सारे नजर आते हैं, तो एक ही फ्रेम में अगर संदीप ने कभी दिशा को मिला नहीं है या जानता नहीं तो वो उस वक्त कहाँ पर था। जी हाँ, ये फोटो जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा जो है संदीप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि अब सीबीआई समय जाहिर ना करे और बिना समय जाहिर किए वो अब सीधा बुला ले संदीप सिंह को। जी हाँ, सीबीआई संदीप से पूछताछ करे, अब ये चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। जी हाँ, अब क्योंकि संदीप को अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया और संदीप के स्टेटमेंट से काफ़ी सारे जो है सबको पता है कि वो काफ़ी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद अपने स्टेटमेंट्स पे जो है खड़े नहीं उतर रहे। वो खुद अपने स्टेटमेंट्स हर बार अलग अलग बयान देते हैं। जैसे वो और पिठानी दोनों थोड़े कन्फ्यूज थे, उनके स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे, वैसे वैसे पिठानी का अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं आया। लेकिन जो है बड़ी खबर ये है कि संदीप सिंह का झूठ पकड़ा गया। जी हाँ, वो दिशा सालिन के साथ ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दिशा सालिन को जानते तक नहीं थे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन वेल फोटो सारी जो हकीकत है वो बयां करती है। और ये फोटो आप देख के समझ जाओगे कि इसे मॉर्फ नहीं किया गया है, इसे एडिट नहीं किया गया, ये जो रियल पिक्चर है ये वो है। सो वेल, अब संदीप को आना होगा सामने और देना होगा इन सारे सवालों के जवाब, फिर पता चलेगा आखिरकार संदीप सिंह क्यों कह रहे थे झूठ।